हेलो गाइस, वेलकम टू टू मंत्रा। मेरा नाम है अमरेंद्र कुमार। दोस्तों, इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को सर्च करके ही देख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली इस वीडियो को वही लोग देखेंगे जो अपने चैनल का मोनेटाइजेशन अप्लाई किए हैं और आपका चैनल रिव्यू में गया है। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देख रहे होंगे कि भाई चैनल रिव्यू में जाने के बाद कितना दिन के बाद, कितने घंटे के बाद मोनेटाइज हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा कि जब आप अपने चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के कितने घंटे के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए, नहीं तो आगे इस वीडियो को देखने में भूल जाएंगे। और आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप अपने चैनल का प्रमोशन करना चाहते हैं तो वीडियो में आपको एक प्रोमो कोड देखने को मिलेगा। आप उस प्रोमो कोड का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी है ट्यूब मंत्रा। अगर आप विनर होंगे तो फिर आपके चैनल किसी वीडियो का लिंक अपने कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, आप थोड़ा सा वेट करिए, इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि जब चैनल रिव्यू में जाता है तो कितने घंटे या कितने दिन के बाद चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो जब एक नए चैनल पर एक साल के अंदर 4 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर, एक साल का मतलब है कि पिछले 365 दिन के अंदर, पिछले 365 दिन के अंदर 4 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है तो आपको अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना होता है। जब आप अपने चैनल का मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस समय आपके चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या कोई भी स्ट्राइक नहीं रहना चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। जब आपके चैनल पर 4 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपको मोनेटाइजेशन के अंदर आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा, आपको अप्लाई पर क्लिक करना होता है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर 3 स्टेप मिलते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आपका स्टेप 1 ऑटोमेटिक डन हो जाता है, यानी आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। स्टेप 1 डन हो जाने के बाद स्टेप 2 में आपको अपने चैनल को एक एडसेंस से लिंक करना होता है। तो आपको एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना होता है, उसके बाद आपको अपने इस चैनल से लिंक करना होता है। जैसे ही आप एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं और उस एडसेंस को अपने चैनल से रिडायरेक्ट करते हैं तो यहाँ पर स्टेप 2 प्रोसेसिंग में चला जाता है। और स्टेप 2 डन होने में 4 घंटे से लेकर और 12 घंटे लगते हैं, कम से कम 4 घंटा लगता है, उसके बाद स्टेप 2 डन हो जाता है। स्टेप 2 डन होते ही ऑटोमेटिक आपका चैनल रिव्यू में चला आता है। और रिव्यू में जाने के बाद बताते हैं कितना टाइम लगता है। दोस्तों, अगर आप अपने चैनल पर फेस कैम वाले वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, यानी मेरी तरह वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो में आपका फेस दिखता है, तो फिर आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। आपका चैनल 24 घंटे से लेकर और 48 घंटे के अंदर मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आप अपने चैनल पर वॉइस ओवर वाले वीडियो लाते हैं, यानी आप अपना फेस नहीं दिखाते हैं, तो इसमें हो सकता है कि आपके चैनल को मोनेटाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं और आपका चैनल रिव्यू में जाता है तो चेक किया जाता है कि भाई जो वीडियो क्रिएट कर रहा है वो कौन है, कैसा क्रिएटर है, खुद का वॉइस है या नहीं है, आपका उसमें फेस चेक किया जाता है, कहीं आपने अपना फेस दिखाया है या नहीं दिखाया। किसी न किसी वीडियो में आपको अपना फेस दिखाना होता है। अगर आप वॉइस ओवर करते हैं तो आपके अधिकतर वीडियो को YouTube टीम के द्वारा चेक किया जाता है कि आपके हर एक वीडियो में एक ही तरह की वॉइस है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी दूसरे क्रिएटर का वीडियो कॉपी करके और अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो आप वॉइस ओवर वाले वीडियो क्रिएट करते हैं तो आपको 48 घंटे से लेकर और 7 दिन का टाइम लग सकता है। लेकिन आप फेस कैम वाले वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो फिर आपको जो है वो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आप फेस कैम और वॉइस ओवर दोनों वीडियो को मिक्स करके वीडियो क्रिएट करते हैं फिर भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका किसी न किसी वीडियो में अगर फेस दिख रहा है तो आपका चैनल 48 घंटे के अंदर मोनेटाइज हो जाएगा। और दोस्तों, ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे चैनल का मोनेटाइजेशन के लिए मैंने अप्लाई किया है। मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करते हैं जिन भाई को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने नहीं आता हो, या उनके पास जो है लैपटॉप या ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मोनेटाइजेशन अप्लाई करें, तो हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, हम उनके चैनल का मोनेटाइजेशन अप्लाई कर देते हैं। और इसके अलावा जिनको स्टेप 2 में प्रॉब्लम होता है, एडसेंस में प्रॉब्लम होता है, वो भी हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो बहुत सारे चैनल का मोनेटाइजेशन मैंने ऑन कराया है। आपको भी हमसे कुछ हेल्प लेना हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम से हेल्प ले सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है ट्यूब मंत्रा। इंस्टाग्राम पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, अगर आप अपने
वीडियो में फेस नहीं दिखाए हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, 7 दिन तक टाइम लगता है, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और यूट्यूब टीम की तरफ से रिव्यू में जाने के बाद 30 दिन का टाइम लिया जाता है, लेकिन 30 दिन टाइम नहीं लगता है, आपको 7 दिन में ही रिजल्ट दे दिया जाएगा कि हाँ आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि आपका चैनल रिव्यू में गया है तो कितने दिन के बाद मोनेटाइज हो जाएगा। सो गाइस वीडियो में बस इतना है, इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और आपके चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।